दोस्तों सी एस एस बी सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि आपके जी एस टी आर वन और जी एस टी आर थ्री बी में मिसमैच आता है तो इसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रखी गई है, जिसके बेस पे कि आपको इंटीमेशन भेजा जाता है कि आपको इसका रिप्लाई करना है। इसी प्रकार यदि आप जी एस टी आर थ्री बी में इनपुट एज क्रेडिट क्लेम करते हैं तो उसे कैसे जी एस टी आर टू बी से कंपेयर किया जाता है, इसके लिए क्या थ्रेशोल्ड लिमिट रखी गई है, जिसके बेस पे कि आपको इंटीमेशन आता है कि आप डिस्क्रिपेंसी का रिप्लाई करें। दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सी एस अदबीर सिंह टैक्सील पे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और कमेंट सेक्शन में भी पिन किया गया है। दोस्तों जब आप जीएसटी पोर्टल पे अपने जीएसटी वन को फाइल कर देते हैं और जीएसटी थ्री बी को फाइल कर देते हैं, उसके बाद दोनों का कंपैरिजन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी पोर्टल पे, और ये देखा जाता है कि आपने जीएसटी वन में कितनी लायबिलिटी डिक्लेयर की थी और जीएसटी थ्री बी में कितनी लायबिलिटी के ऊपर टैक्स पे किया गया है। दोस्तों यदि ये डिफरेंस स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में आपको नोटिस भेजा जाता है डीआरसी 01B में, जहाँ पे कि आपको इस डिफरेंस को एक्सप्लेन करना होता है। तो दोस्तों इसके लिए लिमिट क्या है जिसके बेस पे कि नोटिस भेजा जाता है, तो चलिए दोस्तों चेक करते हैं लिमिट। दोस्तों जीएसटी पोर्टल पे सिस्टम बेस्ड मैकेनिज्म स्टार्ट किया गया है ताकि यदि आपका मिसमैच आता है जीएसटी वन की टैक्स लाइबिलिटी और जीएसटी थ्री बी की टैक्स लाइबिलिटी में स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड से ज़्यादा, तो उस केस में आपको ऑटोमेटिकली इंटीमेशन भेजा जाता है डीआरसी 01B में। दोस्तों आज के टाइम में थ्रेशोल्ड 25 लाख रुपीज़ एंड 20% है, तो यदि आपका इससे ज़्यादा डिफरेंस होगा तो उस केस में आपको इंटीमेशन भेजा जाता है। दोस्तों इससे आप रिकंसिलेशन कर सकते हैं, इस डिफरेंस को या तो आप पे कर सकते हैं या फिर इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि डिफरेंस क्यों आ रहा है, जैसे कि क्या आपने गलत सप्लाई रिपोर्ट कर दी थी जीएसटी वन में और जीएसटी थ्री बी में उसकी करेक्शन की है टेक्स्ट्रा। तो इस प्रकार यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर को कोई इंटरवेंशन देने की आवश्यकता नहीं होती, आप अपने आप ये रिप्लाई फाइल कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल पे। दोस्तों इसी प्रकार जब आप अपनी जीएसटी थ्री बी फाइल करते हैं उसमें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम करते हैं उसे भी कंपेयर किया जाता है जीएसटी टू बी के साथ। जीएसटी टू बी में इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑटोमेटिकली आता है इस बेस पे कि आपके सप्लायर ने जीएसटी की रिटर्न कैसे फाइल किया, जीएसटी वन के बेस पे ऑटोमेटिकली जीएसटी टू बी में आइट सिया जाता है। तो यदि आप स्पेसिफाई लिमिट से ज़्यादा एट सी क्लेम करेंगे तो उस केस में आपको डीआरसी 01C के अंतर्गत इंटीमेशन भेजा जाता है जिसमें कि आपको डिफरेंस एक्सप्लेन करना होता है। लेकिन दोस्तों इसके लिए भी लिमिट सेट की गई है, यदि लिमिट से ज़्यादा आप एट सी क्लेम करते हैं तो ही आपको इंटीमेशन भेजा जाता है। तो चलिए दोस्तों चेक करते हैं एट सी को क्लेम करने के लिए क्या लिमिट सेट की गई है जीएसटी पोर्टल पर। दोस्तों यदि आप जीएसटी थ्री बी में इनपुट एज क्रेडिट क्लेम करते हैं जीएसटी टू बी से ज़्यादा, तो उस केस में जो लिमिट सेट की गई है वो भी 25 लाख रुपीज़ एंड 20% है प्रेजेंट। तो यदि इस लिमिट से ज़्यादा का आप आइट सी क्लेम करेंगे तो उस केस में आपको इंटीमेशन भेजा जाता है डीआरसी 01C में, जिसे कि आपको एक्सप्लेन करना होता है या फिर आप आइट सी को रिवर्स कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये लिमिट ध्यान में रखनी है जब भी आप जीएसटी की रिटर्न फाइल करें। दोस्तों यदि आपका जीएसटी वन जीएसटी थ्री बी और जीएसटी टू बी में मिसमैच आता है तो उस केस में आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और जीएसटी पोर्टल पर इन्फॉर्म किया जाता है। आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है, सर्विस टाइम में जाना है, रिटर्न में जाना है, रिटर्न कॉम्प्लायंस पर क्लिक करना है। दोस्तों यदि आपका टैक्स लाइबिलिटी में मिसमैच है तो डीआरसी 01B में आपको इंटीमेशन मिलेगा, जिसे कि आपको यहाँ पे जाके व्यू करके रिप्लाई करना है। और यदि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड मिसमैच है तो डीआरसी 01C में इंटीमेशन मिलेगा, जहाँ पे कि आपको यहाँ पे रिप्लाई करना है। दोस्तों इस प्रकार से जो रेफरेंस नंबर होगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे स्टेटस भी आप देख सकते हैं कि स्टेटस जो पेंडिंग आएगा, या फिर दोस्तों आप यहां पे रिटर्न पीरियड के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं कि कौन सी इंटीमेशन आपको जारी हुए हैं, या फिर जो स्टेटस है उस वाइज सर्च कर सकते हैं, जैसे कि यहां पे जो स्टेटस है पेंडिंग है या फिर कंप्लीटेड है उस वाइज आप यहां पे ये इंटीमेशन निकाल सकते हैं और रिप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यदि आप डीआरसी 01B या फिर डीआरसी 01C का रिप्लाई नहीं करेंगे इंटीमेशन का, तो उस केस में नेक्स्ट पीरियड के लिए आप अपनी जीएसटी वन या इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी के द्वारा जीएसटी के आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल जीएसटी पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाएंगे।
दोस्तों इसके ऊपर डिटेल वीडियो आप हमारे चैनल सी एस अदबीर सिंह पे देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी के कॉम्प्लायंस कर सकें। आपका यदि जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप सी एस अदबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।